कोरोना संक्रमण के तेज हुए अटैक के बाद अब सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड को लेकर जमकर मारामारी मची हुई है। शहर के बड़े निजी अस्पतालों से लेकर जिला अस्पताल में आईसीयू के वार्ड लगभग फुल हो चुके हैं। हालात यह है कि दूसरी बीमारियों के मरीजों को उपचार के लिए भर्ती करने के लिए उनके परिजनों को मरीज को लेकर दर बदर भटकना पड़ रहा है। निजी अस्पताल जहाँ कोविड-19 की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को यह कहकर लौटा रहे हैं कि हमारे पास कोविड-19 के मरीज हैं और बेड खाली नहीं है, ऐसे में मरीज के परिजनों की समस्या और भी बढ़ गई है। वहीं कोविड-19 के जिला अस्पताल में जहां 200 बेड रिजर्व किए गए थे, इनमें 102 बेड सहित आईसीयू फुल हो चुका है। ऐसे में सिर्फ ऑक्सीजन वाले करीब 80 बेड हैं। आरएमओ डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि हर घंटे मरीज पहुंच रहे हैं, ऐसे में गंभीर मरीजों को मजबूरन हायर सेंटर में रेफर करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय जो कोरोना है इंडिया में अच्छी तरह से बुरी तरह से फैल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ के कुछ स्टेट हो। अपने एमपी में भी कोरोना इस समय तेज़ी से फैल रहा है, जबलपुर उससे अछूता नहीं है। जो स्थिति सितंबर माह में थी जब कोरोना का अपना पीक लेवल आया था, आज सिचुएशन वही है। सितंबर में विक्टोरिया अस्पताल में उतने पेशेंट एडमिट नहीं थे जितने आज हैं। आज की कंडीशन में कोरोना के 80 पेशेंट एडमिट हैं और 20 सस्पेक्ट में एडमिट हैं। टोटल इस प्रकार से 100% इस समय जिला अस्पताल में एडमिट है। सिचुएशन अच्छी नहीं है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो सावधानियां हैं, जो उपाय हैं, वो अपनाइए। जो गवर्नमेंट जिसके लिए बार बार बोलती है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र उपयोग करें, अनटिल अनलेस ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें और व्यर्थ में इधर उधर ना घूमें, इन सब का पालन करें। उसी से अपन कोरोना की चेन को ब्रेक कर सकते हैं और हॉस्पिटलाइज होने से बच सकते हैं। सर, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग घबरा रहे हैं कि उनको हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है, सर दुख रहा है, हल्का सा फीवर आ रहा है और तुरंत वो लोग दौड़ रहे हैं और टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें किस तरीके की सावधानी? आपको लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हो, आपको सर्दी हो रही, खांसी हो रही, बुखार आ रही है, उसके लिए जिला अस्पताल 24/7 खुला हुआ है। आप अपनी आके जाँच करवाएं, दवा गोली लें और खुद को अपना आइसोलेट करें। वेदर जब भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है, जो वायरस है वो एक्टिवेट होता है, उस समय जो अपन घरेलू सावधानियां लेते हैं वो लेते रहें, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, दवाइयां वगैरह का सेवन करें। कल जिला कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया है, किस प्रकार के दिशा निर्देश हो गया? कल कलेक्टर करमवीर शर्मा सर विक्टोरिया अस्पताल में आए थे, उन्होंने कोविड का स्टेटस की जानकारी ली और जहां वैक्सीनेशन होता है उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने बहुत संतोष जाहिर किया और बोला विक्टोरिया की जो स्थिति है।